मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है, प्राउड है हमें उनके ऊपर। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, आप लोगों के सीएमए के लिए, जो कि आप बहुत ही जल्द बनने वाले हैं कंपनीज में जाकर या अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट था एक बार देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट देकर गए थे, आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था, इफ वी हैव टू सक्सीड इन दी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अगर हमें पूरी दुनिया में सक्सेस पानी है, अगर भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को अगर ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सक्सेस पानी है, वी हैव टू एनलार्ज, हमें एनलार्ज करना पड़ेगा, हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, मिसाइल मैन, उन्होंने बोला था कि अगर भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर सक्सेस पानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनके स्कोप को बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट को बढ़ाना पड़ेगा और हर सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा, चाहे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे से सर्विस सेक्टर है, चाहे से हेल्थ केयर है, चाहे से एजुकेशन है, हर सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट को एनलार्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर इंडिया एक अच्छे लेवल पर सक्सेस पा सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात बोलकर गए और आप लोगों को इस पे प्राउड फील होना चाहिए।